हेलो स्टूडेंट्स, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमकॉम पार्ट टू सेमेस्टर थ्री, और आप लोग का एग्जाम 3 तारीख से चालू हो रहा है। एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हम लोग जो लेसन बाकी हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग को बता दें कि हमारा जो लेसन है फॉरेन करेंसी एंड बैंकिंग फाइनल अकाउंट जो रहता है, दोनों लेसन हम लोगों ने दोनों चैप्टर कवर किए हैं। फॉरेन करेंसी कन्वर्जन और फॉरेन ब्रांचेस का, ये हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो में मैंने अपलोड किया है, प्लीज आप लोग वीडियो देखिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। देन फाइनल अकाउंट एंड स्टैटटरी रिक्वायरमेंट फॉर बैंकिंग कंपनीज, इसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। ओके, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी अकाउंटिंग एंड स्टैटटरी रिक्वायरमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। ये इंट्रोडक्शन वाला लेसन होगा। इससे इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स भी बताने जाऊंगी, जो शॉर्ट नोट्स आप यूज करेंगे अपने एग्जाम में, और ये दो शॉर्ट नोट ऐसे हैं कि आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो ये शॉर्ट नोट को डिस्कस कराऊंगी। ओके, तो पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस फाइनल अकाउंट। देखो, इंश्योरेंस फाइनल अकाउंट सबसे पहले जो LIC है, जो इंश्योरेंस है, IRDA के द्वारा आया गया। IRDA, अब ये जो IRDA है इसके थ्रू लाया गया है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, IRDA। ओके, तो 1938 में ये IRDA आया। और इंश्योरेंस मतलब क्या? देखो, इंश्योरेंस आप लोग को भी पता है कि आप लोग के घर में भी बहुत सारे बच्चों ने इंश्योरेंस किए हुए हैं। इवन आप जो देख रहे हो वीडियो, आप लोग का भी इंश्योरेंस होगा। मे भी हो सकता है जीवन आनंद हो, बहुत डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस होते हैं। तो आज हम देखेंगे टाइप ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस है, एक जनरल इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस किस में आएगा, लाइफ में आएगा कि जनरल में? तो ये लाइफ में आता है। हम लोग जो इंश्योरेंस का ये लेसन है, यहाँ पे आपके एग्जाम के पर्पज से, एमकॉम के पर्पज से देखा जाए तो हम लोग ये लाइफ इंश्योरेंस वाला नहीं पढ़ने वाले। तो हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। सी हियर गाइस, जो करंट ईयर का जो भी चीजें हैं, करंट ईयर का फाइनल अकाउंट, करंट ईयर में कितना पॉलिसी आया, क्या चीजें हैं, हम करंट ईयर का ही सब देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो पास्ट का नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ अपना करंट ईयर का देख रहे हैं। तो ये याद रखना कि हम लोग करंट ईयर का कर रहे हैं। ओके, तो टाइप ऑफ इंश्योरेंस में दो टाइप होते हैं, पहला हो गया लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा हो गया जनरल इंश्योरेंस। अब जनरल जो टाइप है, जनरल इंश्योरेंस के तीन टाइप होते हैं। पहला है जनरल इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस एंड मरीन। ओके, तो फायर और मरीन एंड जनरल, तो ये तीन टाइप होते हैं। जनरल में फायर और मरीन दोनों आ जाता है। ये आप लोग देख रहे होंगे, देखो जैसे कि हम लोग अकाउंट बनाते हैं तो वैसे ही फाइनल अकाउंट यहाँ पे कुछ करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, फॉर्म बी रेवेन्यू एक्ट होता है, ये याद कर लो, फॉर्म बी रेवेन्यू एक्ट। अगर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाता है तो आप बस इतना याद रखो, फॉर्म बी रेवेन्यू एक्ट। ओके, तो अभी ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस तो जनरल इंश्योरेंस के दो टाइप है, फायर एंड मरीन। अब क्या होता है कि जैसे बाय चांस जो भी प्रॉफिट है, ग्रॉस है, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह। अब इसमें क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड रिस्क। अब ये क्या है, ये क्या नया चीज है? तो देखो गाइस कि अनएक्सपेक्टेड रिस्क क्या होता है, अनएक्सपायर रिक्स है यहाँ पे। अनएक्सपायर मीन्स वॉट, कि जैसे कि लाइक एग्जाम्पल कि मैंने आपको एक कूपन दिया है, 31 मार्च को, मार्च तक वो कूपन चलेगा। आफ्टर आप जैन, आप 31 मार्च के बाद में अगर आप जा रहे हो अप्रैल वगैरह में, या फिर 1 जैन को आप जा रहे हो, तो क्या वो कूपन चलेगा? नहीं, वो एक्सपायर हो गया कूपन, तो वो नहीं चलेगा। अनएक्सपायर मीन्स क्या, अनएक्सपायर रिस्क मतलब कि जो LIC है, जो इंश्योरेंस होता है, वो अनएक्सपायर होना चाहिए। अनएक्सपायर रहेगा तभी वो 50%। अब ये 50%, ये सारी चीजें क्या है, तो देखो जो LIC कंपनी होती है वो रिफंड देगी, राइट? हमने पॉलिसी किया तो उसका हमें रिटर्न तो मिलेगा ना, हम प्रीमियम भर रहे हैं, बराबर, हम प्रीमियम भर रहे हैं। अब आप जो ये करोगे, ये इंश्योरेंस का जो भी आप फाइनल अकाउंट बनाने वाले हो, ये सब कुछ आप
LIC कंपनी के पर्पस से बनाओगे, ओके आप एक कंपनी बन के पर्पस से सोचोगे और कंपनी के पर्पस से ही करना है, आप एक कस्टमर के पर्पस से मत सोचना, इसको आपको कंपनी के पर्पस से करना है। तो जब अनएक्सपायर रिस्क है उसमें क्या करेगी कंपनी, जो LIC कंपनी है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो ये 50% का ही ये लोग अनएक्सपायर रिस्क होता है। तो अगर फायर है, ओके अगर फायर इंश्योरेंस है तो उसका 50% ही रिफंड करेगी LIC कंपनी। किसको देगी रिफंड? कस्टमर को, ओके क्योंकि जिसने प्रीमियम किया है उसको 50% ही फायर इंश्योरेंस का उसको मिलेगा अनएक्सपायर रिस्क में। अगर एक्सपायर डेट हो गया तो उसके बाद नहीं मिलने वाला, अनएक्सपायर की बात की जा रही है, ये ऑलवेज रिमेम्बर याद रखना, ओके तो कोई भी कंपनी हो वो 50% जो अपना LIC है, अब जैसे कि लाइक एग्जांपल कि आपने अपनी कंपनी का फायर इंश्योरेंस का पूरा करवाया क्योंकि स्टॉक वगैरह, लेकिन यहाँ पे कंपनी 50% क्यों दे रही है, इसलिए दे रही है कि मे भी कुछ ना कुछ आग भी जली दुकान में सपोज, तो कुछ ना कुछ तो बचा होगा ना, तो जो स्क्रैप वैल्यू में चला जाता है उसको सेल करके निकल जाता है, इसलिए इधर 50% ही दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ LIC कितना कवर करेगी रिस्क, 50% ही आपको रिफंड करने वाली है। जैसे कि आपने LIC किया और आप प्रीमियम भर रहे हो, ओके हर साल प्रीमियम भर रहे हो, लेकिन आपको रिफंड 50% ही मिलेगा, और वो भी कब मिलेगा, जब अनएक्सपायर्ड रिस्क होगा तब। तो ये 50% होता है। अब आप बोलोगे मैम इसका क्या यूज है, तो इसका यूज बताऊंगी मैं क्यों बार बार 50% बोल रही हूँ, इसका बताती हूँ मैं। देन आते हैं मरीन में। मरीन इंश्योरेंस में देखो कार्गो रहता है और हल रहता है। कार्गो मीन्स कि जहां पे शिप वगैरह का ही रहता है, लेकिन वहां पे कैसे आपका जो गुड्स वगैरह रहते हैं तो कुछ अगर डूबते भी हैं तो थोड़ा बहुत बच जाता है, ओके इसलिए यहाँ पे मरीन में हमेशा 50% का ही आपको रिफंडेबल मिलेगा अनएक्सपायर रिस्क में। और यहाँ पे हल में 100%, मतलब कि आपने जितने का किया पूरा आपको 100% यहाँ पे रिस्क कवर होगा, 100% रिस्क कवर होगा। इट मीन्स क्या हल का मतलब क्या, तो देखो जो लोग काम करते हैं समुद्र एरिया में, जहां पे सी एरिया में जहां पे बहुत गहरा पानी रहता है वहां पे शिप उनकी रहती है ना, तो वहां पे बहुत खतरा रहता है, रिस्की रहता है। दैट्स वाई LIC कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो 100% यहाँ पे इंश्योर करती है, ओके तो इस तरीके से होता है। अब बात आती है कि LIC कंपनी का इनकम क्या है, जैसे कि बैंक का देखो, आपने बैंकिंग का फाइनल अकाउंट किया रहेगा, आई नो कि आप लोगों ने मेरे वीडियो पहले देखे हैं, तो फाइनल अकाउंट में क्या था कि हमारा इंटरेस्ट, बैंक को क्या इंटरेस्ट मिलता था, बैंक का इनकम क्या था इंटरेस्ट, राइट पब्लिक का जो भी रहेगा तो इंटरेस्ट से ही उसको इनकम आता है ना बैंक को, तो बैंक का फाइनल अकाउंट में इनकम का सोर्स क्या था इंटरेस्ट। अब LIC में क्या है, इंश्योरेंस कंपनी में क्या रहता है कि इनकम का जो सोर्स है वो होता है प्रीमियम, जो नेट प्रीमियम होता है वही कंपनी का इनकम होता है। तो एक्सपेंडिचर क्या है कंपनी का, तो एक्सपेंडिचर जैसे कि क्लेम हो गया, क्लेम हुआ तो बाबा उनको देना पड़ेगा ना, तो जो भी चीज देनी होगी वो कंपनी का एक्सपेंडिचर हो गया, खर्चा हो गया। और कमीशन है, अब एजेंट लोग हैं उनको भी कमीशन देती है कंपनी, है कि नहीं, तो कंपनी का तो वो पैसा अकाउंट से जा रहा है ना, तो वो एक्सपेंडिचर हो गया। ऐसे बहुत ऐसी जो चीजें रहती है वो एक्सपेंडिचर है, ओके तो ये अब इनका यूज क्या है, तो देखो आपको जब एडजस्टमेंट दिया जाएगा तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि फायर का 50% ही रिफंडेबल होता है अमाउंट, इट जो अनएक्सपायर रिस्क है, ओके और अनएक्सपायर क्यों बोला, क्योंकि आपका जो एक्सपायर नहीं हुआ है ना, जो पॉलिसी है वो एक्सपायर नहीं हुई, जैसे पॉलिसी एक्सपायर होगी तो वहां पे फिर क्या कुछ नहीं मिलने वाला है, ओके तो अनएक्सपायर। अब हम देख थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कंपनी किस तरीके से चलती है, क्या रहता है, तो शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, री इंश्योरेंस के बारे में आप लोगों ने सुना, री इंश्योरेंस, आप लोगों में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि री इंश्योरेंस का मतलब होता है मैडम जो कंपनी, जैसे कि हमने LIC किया और हमारा डेट हमने प्रीमियम नहीं भरा तो पॉलिसी बंद हो गई, इसलिए हम वापस चालू कर रहे हैं, रीओपन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड री इंश्योरेंस। तो गाइज ये गलत है, री इंश्योरेंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है। तो व्हाट इज अ री इंश्योरेंस, तो री इंश्योरेंस का मतलब होता है जब कंपनी गिव देयर बिजनेस टू द
मार्केट में जितनी भी स्मॉल कंपनी रहती है उनको दैट इज कॉल्ड री इंश्योरेंस। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, री इंश्योरेंस जैसे कि अपना LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आप लोगों ने बहुत सुना होगा। अगर बोलेंगे अगर मैं आपको बोलती हूँ आप LIC करेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि हम LIC करेंगे लेकिन हम LIC कंपनी का ही करेंगे। मैं बोलती हूँ ICICI बैंक का कर लो, है ना, तो आप करोगे क्या? मैं बोलती हूँ HDFC का कर लो, क्या आप करोगे? आपको ज्यादा ट्रस्ट LIC कंपनी में ही है कि नहीं, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में। तो LIC के पास इतने सारे कस्टमर आ गए, बहुत सारे उसके कस्टमर हैं, पूरा उनको करोड़ों का उनका बिजनेस, बहुत सारे करोड़ों का बिजनेस है उनका। तो LIC कंपनी का क्या, आजकल न्यूज में बहुत चल रहा है LIC का, तो क्या हो रहा है कि कंपनी के पास बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, लोगों का ट्रस्ट LIC के ऊपर है। किस पे है? LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है। ओके, तो कस्टमर डायरेक्ट LIC से ही अपना पॉलिसी करवाते हैं। और अब क्या हो रहा है कि मार्केट में जो बाकी कंपनीज हैं जैसे कि ICICI हो गया, HDFC हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, अब उनका क्या होगा? तो वो कम अभी क्या होता है कि LIC क्या बोलते, ये लोग जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, स्मॉल हैं, है ना, तो इनका कंपनी कैसे चलता है? फिर ये भी तो इंश्योरेंस कंपनी है, इनका इंश्योरेंस कैसे चलता है? तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे LIC क्या करती है, अपने कस्टमर्स को, है ना, इनके हवाले इनको दे देती है। तो इनको दे देती है, इट मीन्स कि ये नहीं होता कि कस्टमर इनसे जाके अगर कोई डाउट है, कोई इंक्वायरी है तो ये कंपनी के पास जाके लेंगे, ना बाबा, ऐसा नहीं होने वाला। तो ये जो कस्टमर LIC इनको देगी, टारगेट रहेगा, जैसे कि LIC बोलते हैं हम आपको 2 लाख कस्टमर देंगे, ओके, तो उसके जो देखो पॉलिसी नंबर हर एक के रहते हैं, तो ऐसे पॉलिसी, जैसे कि मैं बोलूं कि जस्ट एग्जांपल हमारे क्लास में स्टूडेंट है, ओके, तो अगर कोई बोलता है कि मैम रोल नंबर 1 से लेके 69 रोल नंबर आप, ये शीट रहती है हमारे, हमें पता रहता है कि किस कौन से क्लास में कितने बच्चे हैं, राइट। और अगर बोला गया 59 रोल नंबर कहाँ पे है, कहाँ पे मिलेगा, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास शीट रहेगी, मैं उस शीट को देखूंगी और उस शीट को देखते ही मैं पहचान जाऊंगी कि हाँ ये क्लासरूम में रूम नंबर 13 में, ये क्लासरूम में आपको ये 59 वाला रोल नंबर का बच्चा मिल जाएगा, ओके। मैंने कैसे बताया, एज इट इज ही पॉलिसी के नंबर का रहता है, पॉलिसी नंबर रहती है जहां पे ये लोग इतने कस्टमर, जैसे 2 लाख का है तो 2 लाख इसको ICICI को दे दिया, HDFC ऐसे बहुत सारे LIC देती है, और उसमें उनको जो दिया है उसका ये लोग क्या करते हैं, अभी इनका जो भी देखो LIC के पास बहुत सारा काम हो जाता है, कस्टमर उनके बहुत हो गए, तो समझ लो कि LIC का पार्टनर बन चुके हैं ये लोग जो काम संभालते हैं, राइट। तो इस तरीके से होता है, लेकिन सपोज कि किसी कस्टमर का पॉलिसी का नंबर इनके पास है, ये कंपनीज के पास है, तो क्या होगा, तो कस्टमर इधर नहीं जाएगा, वो तो उस LIC को जानता है, वो LIC के पास ही जाएगा। बट मतलब कि ये इस तरीके से बिजनेस है कि कस्टमर को पता नहीं चलता कि मैं कौन सी कंपनी का मैंने LIC लिया है, राइट। कस्टमर को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि उसने कौन सी कंपनी का लिया है और यहाँ पे बिजनेस चल रहा है, ओके, LIC हो चुकी है, तो इस तरीके से बिजनेस चलता है। तो ये जो कंपनीज होती हैं स्मॉल मार्केट में, ये लोग क्या करती हैं, ये लोग उस पॉलिसी काम संभालती हैं, एग्रीमेंट है इनका, तो एग्रीमेंट भी 2 टाइप के इनके होते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट में, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि री इंश्योरेंस होता क्या है। तो री इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ कि LIC कंपनी गिव देयर बिजनेस टू दी मार्केट में जो भी स्मॉल कंपनी है उनको, दैट इज कॉल्ड नॉन एज अ री इंश्योरेंस, उसको ही हम री इंश्योरेंस बोलते हैं। अगर आपको 1 सेंटेंस में आ जाता है या फिर आपको शॉर्ट नोट में आता है तो आप बड़ा चगड़ा के आप लिख सकते हो, ओके। तो इस तरीके से LIC कंपनी का होता है। अब हम थ्योरी में आ जाते हैं, थ्योरी में हम क्या करने वाले हैं, तो थ्योरी में हम देखते हैं इंश्योरेंस के बारे में, ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और अगर आप इसको लिख लेते हैं अपनी नोटबुक में तो बहुत अच्छा होगा। मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज डिक्टेट करने वाली हूँ। तो इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया इज गवर्न बाय द इंश्योरेंस एक्ट 1938। इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो इंडिया में आया 1938 में, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, IRDA एक्ट, IRDA रेगुलेशन 2002 में IRDA का रेगुलेशन हुआ, एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंश्योरेंस, जो कि फाइनल अकाउंट जब हम बनाते हैं इंश्योरेंस कंपनी का, आर बिलोंग अंडर द पार्ट 5
किससे बिलोंग करता है वो, पार्ट फाइव, वेयर एज अंडर फ्रॉम बी, ये याद रखना, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। टाइप ऑफ इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस बेसिकली टू टाइप, इंश्योरेंस के दो टाइप होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, जो कि मैंने पहले बताया। जनरल इंश्योरेंस में मरीन हो सकता है, मिसलेनियस को ही हम लोग जनरली इंश्योरेंस बोलते हैं, मरीन हो गया, ये सारी चीजें। IRDA रेगुलेशन फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ ये शॉर्ट नोट्स है जो एग्जाम में आ सकते हैं। IRDA रेगुलेशन फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द IRDA रेगुलेशन प्रोवाइड दैट एन इंश्योरर कैरिंग ऑन जनरल इंश्योरेंस बिजनेस शैल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल बी। शेड्यूल बी के हिसाब से ये लोग क्या करते हैं, बिजनेस को कैरी करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि देखो, फाइनल जैसे कोई कंपनी का अकाउंट रहता है तो अकाउंटिंग एक्ट रहता है 2013 है ना, कंपनी एक्ट रहता है, जो ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनी का भी एक्ट है और वो है IRDA। ओके, तो अभी यहाँ पे द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एवरी इंश्योरर एंड री इंश्योरर शैल बी इज कंफर्म मिली विद द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल सी। यहाँ पे शेड्यूल सी होता है, ये याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने डिक्टेट कर दिया है, इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में आ सकता है। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क शैल बी क्रिएट ऑफ एज द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग दैट पार्ट ऑफ द प्रीमियम रिटर्न विच इज एट्रीब्यूटेबल टू एंड टू बी एलोकेटेड टू द सब्सिडिंग अकाउंटिंग पीरियड एंड शैल नॉट बी लेस देन एज रिक्वायर अंडर सेक्शन 64। अंडर सेक्शन 64 के अंडर जो नॉट रिक्वायर है, लेस देन रिक्वायर एड अंडर, ये याद रखना है। अंडर सेक्शन कौन सा है, 64। अब देखो, तीन होते हैं, फॉर फायर एंड मिसलिनियस बिजनेस का 50% होगा, मरीन कार्गो बिजनेस का 50% एंड मरीन हल बिजनेस का 100%। इन तीनों को याद रख लो। ऑफ द प्रीमियम नेट ऑफ री इंश्योरेंस ड्यूरिंग द प्रिसीडिंग 12 मंथ, मतलब कि प्रीमियम क्या होगा नेट इंश्योरेंस का 12 महीने का, प्रिसीडिंग द 12 मंथ। अब आते हैं री इंश्योरेंस के बारे में, ये सेकेंड शॉर्ट नोट है, आपके एग्जाम में री इंश्योरेंस के बारे में आ सकता है। तो कैसे लिखना है इसका आंसर, ये देखो यहाँ पे क्या होगा कि रिस्क शेयर हो जाता है, ये मतलब कि LIC कंपनी क्या करती है, अपना रिस्क शेयर कर लेती है, अपना रिस्क क्या करती है, शेयर कर देती है मार्केट में जो स्मॉल कंपनी जैसे ICICI, HDFC। अब इनके पास तो कोई जाएगा नहीं, बिकॉज सारे कस्टमर LIC के पास जा रहे हैं, तो LIC के पास बहुत सारे कस्टमर है, तो उनको संभालना भी पड़ रहा है, इसलिए क्या होता है ये लोग ना अपना दे देते कस्टमर दे देते, उससे क्या होता है इनका रिस्क भी कवर शेयर हो जाता है ना। तो इफ एन इंश्योरर डज नॉट विश टू बियर द होल रिस्क ऑफ द पॉलिसी रिटन बाय हिम, द ही मे री इंश्योरेंस अ पार्ट ऑफ द रिस्क विद द सम अदर इंश्योरेंस, इन सच अ केस द इंश्योरर इज सेड टू बी हैव अ सीडेड अ पार्ट ऑफ हिज बिजनेस टू अदर इंश्योरर। तो इसमें क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं बोल यहाँ पे ये री इंश्योरेंस के बारे में जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बोला, अब यहाँ पे सीडेड के बात की गई है। सीडेड मीन्स व्हाट, कि ओरिजिनल कंपनी सीडेड मतलब कि जो LIC है वो ओरिजिनल कंपनी हो गई, राइट, और जो HDFC ये लोग तो इंश्योरेंस कंपनी है, बट वो तो दी गई है ना, कस्टमर तो उनको दिए गए हैं। ओके, ये लोग तो रिस्क शेयर कर रहे हैं, एग्रीमेंट जैसे रहता है वो लोग का। द री इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन मे दस डिफाइन एज द एग्रीमेंट बिटवीन अ सेडिंग कंपनी एंड री इंश्योरर वेयर बाय द फॉर्मर एग्रीड टू सीडेड एंड द लेटर एग्री टू एक्सेप्ट स्पेसिफाइड शेयर रिस्क और लाइबिलिटी अपॉन टर्म सेट आउट इन द एग्रीमेंट। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, एग्रीमेंट की बात की गई है, राइट। यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपनी शेयर कर रही है ना LIC से, LIC क्या कर रही है, ये कंपनी से अपना रिस्क शेयर कर रही है, इनको अपने कस्टमर दे रही है, राइट। तो LIC ओरिजिनल कंपनी है, द सीडेड कंपनी इज द ओरिजिनल कंपनी। बार बार आपको एग्जाम में आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें सीडेड नजर आएगा। सीडेड का मतलब क्या होता है, LIC कंपनी वो कंपनी जो ओरिजिनल कंपनी है, ओके, इंश्योरेंस की।
विच हैज एक्सेप्टेड द रिस्क, जो कि एक्सेप्ट कर रही है रिस्क को, एंड हैज एग्री टू सीडेड और पास ऑन दैट रिस्क टू द अनदर इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरर कंपनी. मतलब वो लोग पास कर रहे हैं ना, रिस्क दे रहे हैं ना, तो ये इंश्योरर कंपनी मीन्स व्हाट, कि जो वो कंपनी जो मार्केट में है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था HDFC एंड ICICI. देयर आर टू टाइप ऑफ री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. अब री इंश्योरेंस करने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब एग्रीमेंट करने के दो टाइप होते हैं. अब एग्रीमेंट क्यों जरूरी है, तो देखो एग्रीमेंट करने के दो टाइप होते हैं. LIC क्या बोलते हैं, एक तो होता है फैक्युलेटिव इंश्योरेंस. फैकुलेटिव री इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, अंडर द फैकुलेटिव री इंश्योरेंस ईच ट्रांजेक्शन हैज टू बी नेगोशिएटेड इंडिविजुअली एंड ईच पार्ट टू ट्रांजेक्शन हैज अ फ्री चॉइस. यहाँ पे जो सीडेड कंपनी है टू ऑफर एंड द री इंश्योरर टू एक्सेप्ट. यहाँ पे क्या है कि सीडेड कंपनी मतलब जो LIC हो गई, वो ऑफर कर रही है किसको, रीइंश्योरर को, मतलब कि जो मार्केट में स्मॉल कंपनीज होती हैं उनको ऑफर करती है कि आप आओ, है ना, आप आओ, हर आपको फ्री चॉइस है, आप हमारे साथ हमारा शेयर आके शेयर कर सकते हो. अगर सामने वाले की मर्जी नहीं है तो वो लोग कोई फोर्स नहीं करते हैं. यहाँ पे सामने वाले की फ्री चॉइस रहती है, उसको ज्वाइन होना है तो वो ज्वाइन हो सकता है. दूसरा है ट्रीटी रीइंश्योरेंस. ट्रीटी रीइंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहेगा कि अंडर ट्रीटी रीइंश्योरेंस एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू बिटवीन द सीडेड कंपनी एंड रीइंश्योरेंस वेयर बाय द वॉल्यूम ऑफ द रीइंश्योरेंस ट्रांजेक्शन रिमेन विथ इन द लिमिट ऑफ द ट्रीटी. देखो यहाँ पे वॉल्यूम की बात की गई है. वॉल्यूम का बात किया गया है मतलब कि कंपनी फिक्स कर लेती है कि आपको हम दो, जैसे कि लाइक एग्जांपल हम आपको 2 लाख ही कस्टमर देंगे, तो वो लोगों ने फिक्स कर लिया है, वॉल्यूम फिक्स हो चुकी है कि हम आपको क्या 2 लाख ही कस्टमर देंगे. एक लिमिट दे दी गई है, राइट. तो यहाँ पे LIC ने लिमिट भी दे दी गई है ट्रीटी इंश्योरेंस, इसे री इंश्योरेंस बोलते हैं, ट्रीटी री इंश्योरेंस. और उस लिमिट को क्या होता है, री इंश्योरर क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है. तो गाइज ये था हमारा कुछ जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे. अब एक और चीज याद रखना, फॉर्म बी रेवेन्यू अकाउंट बनता है. फॉर्म बी में क्या बनता है, रेवेन्यू अकाउंट बनता है. तो ये सारी चीजें हैं. और देखो आपको एग्जाम में रेवेन्यू अकाउंट ही बनाना है, ओके. रेवेन्यू अकाउंट बनाना है तो ये है इनकम. अब आपका फॉर्मेट किस तरीके से होगा, देखो स्केल से आप लाइन मान लेना. सबसे पहले आपका पर्टिकुलर होगा, दूसरी फिर सेकंड में कॉलम में होगा शेड्यूल नंबर, एंड थर्ड कॉलम में होगा अमाउंट या फिर रुपीज आप लिख सकते हो. अब यहाँ पे देखो इनकम, इनकम में क्या रहेगा, नेट प्रीमियम अर्न क्या होगा, पहला होगा आपका नेट प्रीमियम अर्न जो कि शेड्यूल 1 होगा. अब नेट प्रीमियम अर्न दूसरा होगा, उसी में प्रॉफिट एंड प्रॉफिट होगा या फिर लॉस ऑन सेल होगा या फिर रिडम्पशन ऑन इन्वेस्टमेंट, इन तीन चीजें होती हैं. देन आता है थर्ड, जो अदर या फिर स्पेसिफाइड इनकम होंगे. देन फोर्थ आता है इंटरेस्ट डिविडेंड या रेंट. अब ये क्या चीज है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो शेयर होते हैं, शेयर होल्डर्स हो गए एक्सेट्रा, कंपनी में ये लोगों ने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है. कंपनी ने क्या किया, कहीं पे इन्वेस्ट किया है, तो उधर से जो इंटरेस्ट आया है वो चीजें यहाँ पे इंटरेस्ट डिविडेंड और इनरेंट ये सारी चीजें दी गई हैं.